हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये कैंपस प्लेसमेंट जिस कंपनी का लगाया जा रहा है, कंपनी नेम है RSB रिक्वायरमेंट 2023। ठीक है, ये कंपनी नेम है और इसमें काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी और कंपनी ये ऑन रोल ले रही है। डायरेक्ट इसके हेड ऑफिस पे जाना पड़ेगा और वहाँ से कंपनी को आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो चलिए इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, आप लोग कंपनी नेम दिया हुआ है RSB ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड। इन लेटेस्ट वैकेंसी 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा एंड ITI जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये कंपनी नेम है और RSP ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड। जॉब प्रोफाइल जो है आपकी, वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जॉब प्रोफाइल होने वाली है। डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन, असेंबली, क्वालिटी, मेंटेनेंस, ये चार डिपार्टमेंट में आप लोगों को जॉब पे रखा जाएगा RSB कंपनी में। एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर्स, यानी कि फ्रेशर भी अब जॉब कैंपस में जा सकते हैं और एक्सपीरियंस वाले भी स्टूडेंट इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। कोई मस्ट नहीं किया है कि एक्सपीरियंस ही चाहिए, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल, तो आपको सैलरी अच्छी खासी ये कंपनी देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जेंडर की बात करते हैं दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट ही इसमें जाएंगे। सैलरी की बात करते हैं तो 12 पास वालों को 21,300 रुपये 8 घंटे की, डिप्लोमा को 23,500 रुपये 8 घंटे की, और BA BTEC वालों को 25,800 रुपये पर मंथ ये सैलरी आपको मिलेगी। ड्यूटी टाइम 12 आवर्स, ABC तीनों शिफ्ट चलती है, कैंटीन फैसिलिटीज और बस फैसिलिटीज ये कंपनी देती है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है और सैलरी भी अच्छी खासी दे रही कंपनी। तो आप लोग जो भी 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा पास, BTEC पास, ITI वाले स्टूडेंट जो भी हैं, वो इस कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जो नोटिफिकेशन आया कंपनी की तरफ से, हम उसके बारे में बात करते हैं। वाल्क एंड इंटरव्यू RSB ट्रांसमिशन LTD MNC सनासुदी पुणे, यानी कि जो कंपनी है ये पुणे की है। ठीक है, तो देखते हैं जॉब हाइलाइट्स देखते हैं। ओनली मेल एंड फीमेल रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दोस्तों, 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी 100 पोस्ट हैं और जो पेमेंट मिलेगी वो पर साल 2.5 लाख से 3 लाख रुपए पर साल आपको मिलेगी। लोकेशन जो होने वाला है दोस्तों, आपका जॉब लोकेशन है वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पटना, बिहार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इन लोकेशन पे आपको जॉब करने का मौका मिलेगा इस कंपनी की तरफ से। मस्ट है भी के स्किल की बात करते हैं तो देखिए, आप लोग इसमें साफ साफ दिया है 10th पास, BA BTEC, डिप्लोमा मैकेनिकल ग्रेजुएट और ITI पास स्टूडेंट इस कंपनी में इस रिक्वायरमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अदर के स्किल की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग BSc BE 10th पास, क्वालिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, DME मशीनिस्ट, असेंबली, फिटर, वेल्डर, मेट्रोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BTEC स्किल ट्रेनिंग, डिप्लोमा ऑटोमोबाइल वोकेशनल ट्रेनिंग, ITI ट्रेनिंग, ग्राइंडर, अंडर ग्रेजुएट BA, यानी ये सब आपके अंदर, ये सब अदर के स्किल होनी चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, और बात करते हैं, हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो 10th 12th ITI, डिप्लोमा BA BTEC मैकेनिकल। देखिए, आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो प्रोडक्शन सैंडविच, ऑटोमोबाइल अपेयरिंग, पास आउट बहुत हार एलिजिबल, यानी कि आप 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, BTEC ये सब पास होने चाहिए स्टूडेंट जो हैं, 10th 12th ITI वाले, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो भी पास आउट हैं, वो इस कंपनी में जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सैलरी की बात मैं पहले बता चुका हूँ, दिखाया भी आपको नोटिफिकेशन में। 10th और 12th और ITI की सैलरी जो है दोस्तों, वो 21,000 रुपये आपको मिलेगी 12 घंटे की। ये चीज़ कंफर्म कर लेना आप लोग
कि ये जो सैलरी दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ वो 12 घंटे की है दोस्तों। डिप्लोमा का 23,000 रुपये और बीए बीटेक वालों का 25,000 रुपये, यानी कि 12 घंटे अगर आपको आरएसबी ट्रांसमिशन लिमिटेड में जॉब करना है, ड्यूटी करनी है 12 घंटे की, तो आप लोग ये सैलरी आपको मिलेगी वहाँ। ओनली मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों हैं। फैसिलिटी बस एज कैंटीन। कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो इस कंपनी में जाने से पहले इंटरव्यू के लिए, आप लोग नंबर पे कॉल करके एक बार भी कोई भी डाउट हो क्लियर ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये नंबर है 8554020567, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो तो वो सब क्लियर करके आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू कैंपस को लेके, न्यू कैंपस प्लेसमेंट को लेके नेक्स्ट वीडियोज़ में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, आपको टाइम एंड वेन्यू जाना कहाँ है इंटरव्यू के लिए, आप लोग वो चीज़ देख लीजिए। डेट जो दिया है दोस्तों 20 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, ठीक है, 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। लोकेशन है जहाँ पे जाना है इंटरव्यू के लिए, आरएसबी ट्रांसमिशन एलटीडी, गेट नंबर 908, नगर रोड सनासुदी, पुणे महाराष्ट्र, 41/16। ये नंबर की जिस बात की है मैं, ये नंबर आप लोग एक बार ज़रूर जाने से पहले इस पे कॉल कर लेना और नंबर को ले लेना, कोई भी दिक्कत हो तो कॉल कर लेना, ठीक है। 8554020567 ये फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वहाँ के एचआर का या किसी भी हेड ऑफिस वहाँ डिपार्ट के जहाँ इंटरव्यू होगा, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो ये है दोस्तों, और ऑन रोल ट्रेनिंग पे आप लोगों को रखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी आईटीआई 10th 12th स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अगर इस आरएसबी ट्रांसमिशन एलटीडी पुणे महाराष्ट्र में जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग 20 तारीख से लेके 29 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच पुणे महाराष्ट्र में जाके इस कंपनी गेट पे इंटरव्यू आपको देना है, और उसके बाद क्या फैसिलिटीज है वहाँ सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आरएसबी ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में हम लोग आप लोगों के सामने बात की, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट को या न्यू रिक्वायरमेंट आईटीआई लेवल, 10th लेवल 12th लेवल, जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कैंपस या जॉब रिक्वायरमेंट आती है, नोटिफिकेशन आता है, हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पे सबसे पहले आप लोग उसके बारे में डिटेल के बारे में आप लोगों के सामने बात करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट कैंपस या रिक्वायरमेंट को लेके, उसके लिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।